कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट ने कलेक्टर कार्यालय के समीप अपने ऑफिस से शिवराज सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में भू माफिया पनप रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बड़े निम्न कारनामे की जांच करवाकर उन्हें जमीन में गाड़े या जमीन की जादूगरी को समाप्त करके बताएं। द्विवेदी ने बताया कि ग्राम सिरपुर में एक जमीन के मामले में भाजपा सरकार में घपला हो रहा है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा। माफिया मध्य प्रदेश से पलायन करें और अच्छी कार्रवाई चल रही है कांग्रेस के कमलनाथ सरकार की देखा देखी, परंतु मैं आज जो तथ्यों के साथ सरकारी माफियाओं पर इल्जाम लगा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी उनके सर्वे सर्वा है ना, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं, इंदौर उनकी सपनों की राजधानी है, इंदौर में ही माफियाओं का खेल बता रहा हूं। इंदौर के एरोडम थाने के पास में खसरा नंबर 156/1 कुल रकबा 4.5 एकड़ नजुल की जमीन, लेकिन उस पर लिखा हुआ मिलिट्री तोपखाना। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मकान मैगजीन का यानी कि बारूद घर बना हुआ, अन्य व्यवसायिक स्थल। सन 2001 में नजुल विभाग इसे आवंटित करता है जनशक्ति गृह निर्माण संस्था को। जैसे ही आवंटन होता है पुलिस विभाग इस पर आपत्ति लेता है। 2007 में पुलिस विभाग की आपत्ति को अमान्य किया जाता है। 2008 में लीज डीड इस संस्था के पक्ष में होती है तो लीज डीड खाली जमीन की होती है, बारूद घर उसमें नहीं लिखा रहता है। कारण ये कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को खाली जमीन लीज पर दे सकती है, और अगर हाउसिंग बोर्ड कोई आपको मकान दे रही है तो लिखती है लीज डीड सह विक्रय पत्र। विक्रय पत्र लिखते तो वो मैगजीन बारूदगढ़ लिखना पड़ता। लीज डीड में उन्होंने इस चीज को छिपा लिया और बारूदगढ़ वाकई में इनको दिया ही नहीं गया, क्योंकि बारूदगढ़ निर्माण था और कोई भी गृह निर्माण संस्था निर्माण वाली चीज खरीद ही नहीं सकती है, उसको खाली जमीन खरीदना था। कानून से खेलते हुए इस जमीन से उस बारूदगढ़ को छिपाया। टीएनसी ने 2001 में ही आवंटन के आधार पर इसका नक्शा पास कर दिया। 2008 के बाद जैसे ही इस पर विकास कार्य और ये करने की कोशिशें हुई, जनता के विरोध चालू हुए, कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने के बाद सन 2020 में 10 जनवरी को बारूद घर रातों रात को उड़ा दिया गया। नगर निगम के उपायुक्त अरुण शर्मा ने बकायदे एक पत्र जारी किया है कि ये जो अमला है इसको आप हटा दो, जो कि उनको वैधानिक रूप से कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं थी। नगर निगम केवल खतरनाक मकानों को हटा सकता है, कोई निर्मित संरचना तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उस पर बाल पुगुल सड़क का निर्माण प्रस्तावित न हो। अरुण शर्मा के इस पत्र के बाद वो बारूद घर रातों रात को उड़ गया, अखबारों में खबरें आई। कुछ दिनों बाद ही कॉलोनी निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, जबकि आज भी वहां सड़क नहीं बनी है, बगीचे का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है, अन्य निर्माण अधूरे पड़े हुए आप लोग जा करके देख सकते हैं। शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की कॉलोनी है, शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों ने कूट रचित और फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 120 का अपराध कारित किया है। तथ्य छिपाए हैं, कूट रचित दस्तावेज बनाए हैं। मैं अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके अमले के अधिकारी जो माफिया बनकर के काम कर रहे हैं, आप इनको जमीन में कब गाड़ोगे? आपका नाम प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इस संबंध में जल्दी 5 दिन बाद और कुछ दस्तावेज आ रहे हैं, जिसमें एयरपोर्ट के खिलाफ भी विस्फोटक दस्तावेज आपको दिए जाएंगे।
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।